नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र रावत एक नए ब्लॉग के साथ पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से। अच्छा, वादियाँ नहीं दिख रही आपको, तो वादियाँ दिखाता हूँ। देख सकते हो पहाड़ की वादियाँ, ये देख लीजिए। और आजकल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब दिन में धूप जो चाव ज़्यादा है और दिन का मौसम काफ़ी गर्म है, रात को भी थोड़ी गर्मी होती है। और उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत बारिश हो, और आज शायद मौसम ख़राब है। आज यहाँ पर मौसम हो सकता है कि बारिश आ सकती है, और आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा बारिश हो जाए और मौसम थोड़ा ठंडा हो यहाँ का भी और बाहर शहरों का भी, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा मौसम गर्म हो रहा है। वैसे अभी मैं घर में था तो अचानक मुझको यहाँ पर कॉल आए कि जल्दी से गांव में जाओ, और वहाँ पे जब मकान बन रहा है वहाँ पे कुछ काम किया था सीमेंट का, तो उसको डकाना है क्योंकि बारिश आ सकती है, मौसम ख़राब हो गया है। और आजकल पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है, और दिन में गर्मी भी हो रही है, रात को भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और अगर थोड़ी बारिश आ जाए तो शायद यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जिन लोगों ने खेतों में फसलें बो रखी और वो फसलें निर्भर होती हैं मौसम पे कि जब बारिश आएगी तो फसलें होंगी, और यहाँ पर बहुत सारे काम बन जाएंगे लोगों के भी, ठंड भी हो जाएगी, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद चाह रहे हैं कि बारिश आ जाए, सभी लोग चाह रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा, सभी लोग चाह रहे हैं, रुक सकता है और हो सकता है कि बारिश आ जाए, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो रही है, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हल्की हल्की हो रही तो आपको कैसे दिखेगा। तो मैं जा रहा हूँ वहीं गाँव की ओर, उनको डकाऊंगा और फिर आप लोगों से बातें करूंगा आज, क्योंकि आपसे बातें करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बातें करने वाले एक आप ही तो जिससे कि मैं बातें करता हूँ इतनी खुल के। और तो गाइस फाइनली यहाँ पर आज बारिश हो गई है इधर पहाड़ों में, काफ़ी टाइम के बाद, कम से कम 10-15 इतने दिन तो हो गए, इतने दिनों की बात यहाँ पर बारिश हुई। जैसे मैं घर पे पहुँचा, यहाँ पर मैंने काम किया था जिस काम के लिए आया था मैं, और जैसे ही काम हुआ और बारिश भी स्टार्ट होगी, मतलब काफ़ी अच्छे समय पे आया मैं यहाँ पे, और मौसम काफ़ी ठंडा होने वाला है थोड़ी देर में। अब इतना ठंडा ना हो जाए कि शाम को रजाई निकालनी पड़ जाए बाहर, यहाँ से तब दूसरे वाले घर में चलते हैं, यहाँ गाँव में टावर का मकान है। पहले मैंने उनका टोकर रख जाता हूँ अंदर, और अब चलते हैं ऊपर वाले घर में, क्योंकि अब इस बारिश में ऊपर घर में जाना तो मुश्किल होगा, तो यहीं पे हमारे ताई और का मकान है, वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद घर जाने की सोचेंगे अगर जब बारिश रुक जाएगी। मौसम का जब मज़ा लेते हैं आज, थोड़ी थोड़ी ठंडे फील हो रहा, तो आपको भी दिखाता हूँ मैं मौसम। यहाँ से आप गांव देख सकते हो, इस साइड गांव है, वहाँ से मैं नीचे आया हूँ, और अभी बारिश हल्की हल्की ज़्यादा नहीं हुई, अब थोड़ी देर में ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है कि तूफान भी चल जाए, ठंडी ठंडी हवाएं। You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? तो जैसा हमने सोचा था कि बारिश लगेगी, उसी तरह से हुआ, और काफी तेज बारिश आई, और यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया, ठंड भी लगने लगी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि घर जाके स्वेटर निकालनी पड़ेगी, क्यों ठंड है,
बारिश का ठंडी हवाएं भी चल रही और कल तक यहाँ पर मतलब सुबह तक काफ़ी गर्म था मौसम, दिन में भी धूप ज़्यादा थी परंतु अब मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। यही तो एक गाँव की खूबसूरती, ठंडी हवा चल रही और बारिश में साथ हवाएं चल रही, तो बारिश टेढ़ी आ रही इधर कमरे के अंदर। मैं यहाँ पे आया हूँ बाहर ब्लॉग बनाने के लिए, अब तो भीग गए मैं, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा मेरे को भाई। हाँ हाँ, यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको गांव का शॉट। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, मज़ा आ गया, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। ये देखिए यहाँ पर एक छाते के नीचे तीन तीन लड़के चल रहे हैं। छाता भी टूटा हुआ। हाँ भाई, ओए कारवान है यहाँ पे, इनका अलग ही लेवल है। एक छाते के नीचे तीन तीन जा रहे, अब मुझे लग रहा कि यहाँ से अब घर जाना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास छाता तो है नहीं जिससे मैं घर जा पाऊँ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा होगी, ठंड भी पड़ गई। सारे पशु नहा लिए, गर्मी से बुरा हाल हो गया सबका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.